चलो एवरीवन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा अभी कमेंट्स हैं और जिस तरह से जो है चैटिंग चलती है व्हाट्सएप पे वगैरह पे, जो वो यही है कि वेट वेट एंड वेट। तो हम कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का वेट कर रहे हैं और हमें भी कुछ अपडेट वगैरह जो लेनी होती है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसका हमें वेट करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर वेट जो है अच्छी बात है, वेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बैक ऑफिस में चल रहा है, वहाँ पर वर्क हो रहा है, राइट। तो वेट जो है ठीक है, हम इतने टाइम से अगर वेट करते आ रहे हैं और कुछ ना कुछ अपडेशन, कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है, कभी कभी डिले होते हैं, जैसे कि अभी हम काफ़ी टाइम से डिले हैं और कहीं ना कहीं जो कार्ड्स पेमेंट के थ्रू पेमेंट है उसमें हम डिले हुए थे पिछले 2 महीने में और अभी भी कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, राइट। तो हमें जस्ट यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम वेट करें और वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ पे एक बॉस हैं, मतलब आपका खुद का कंपनी है ऑन पैसिव, तो यहाँ पर आप किसी का एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी का काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया हमें बहुत ज़्यादा हो गया, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब हम वेट कर करके थक गए। लेकिन असल में जो काम हो रहा है वो वेट से नहीं दोस्तों, वो हो रहा है वर्क से। आपको ये पता नहीं है कि कई लोग जो कमेंट्स करते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि असल में जो बैक एंड पे मेहनत हो रही है, आपको जिस तरह से जो है पेमेंट प्रोसेसर है डिफरेंट है, वो पेमेंट प्रोसेसर यहाँ पर एक कंट्री की बात नहीं है, यहाँ पर कई सारी कंट्रियाँ हैं, यहाँ पर 200 कंट्री के समथिंग है। तो इतना आसान नहीं होता है पेमेंट प्रोसेसर को चालू करना उसे, और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेक्नीशियन हैं बैकएंड पे जो काम कर रहे हैं हमारे लिए दिन रात 24 आवर्स इसके लिए काम हो रहा है। और यहाँ पर अगर हैदराबाद टीम की बात करें तो इसमें जो कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पर बैक ऑफिस में करीब मान के चलिए हैदराबाद में 500-600 के समथिंग एम्प्लॉई हैं। इसके बाद में जो हमारा इजिप्ट हुआ, उसमें दुबई हुआ और भी कई ऐसे ऑफिसेज होंगे जिसमें कई चीज़ें हैं जो कई सेक्टर्स पर हमारा काम चल रहा है ऑन पैसिव में, राइट। तो वो चीज़ें हमें दिख नहीं रही है क्योंकि एक्चुअल में वहाँ बैक पर बहुत ज़्यादा जो है वर्क हो रहा है। और यही वर्क जो है दोस्तों आपको देखिए कि ये धीरे धीरे करके सामने आएगा। और हमने पिछले एक साल में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 367 डेज वाला, आई थिंक कल आपने देखा हो या नहीं देखा हो, बट उसे ज़रूर देख लीजिए कि किस तरह से हमने पिछले एक साल में जो है ग्रो किया है, जो लास्ट जो 4 ईयर गए थे उसमें नहीं किया था, जिस अभी इस साल में जो हमने ग्रोथ की है, राइट। तो वो अगर रेशो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है पिछले 4 साल के मुकाबले। तो आप सोचिए कि जो हमारे नेक्स्ट आएंगे उसके अंदर, अभी नेक्स्ट ईयर में, इसमें कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आएंगी, इसमें जो सारे इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाएंगे। और डेफिनेटली ये बात तो तय है कि यहाँ पर अगर हम जो वेट कर रहे हैं तो हमें वेट ही करना है, और ये जो वेट करते करते हम यहाँ तक आ गए, डेफिनेटली ये बात तय है जिस टाइप का वर्क हुआ है या आने वाले वक्त में आगे वर्क होगा वो हमें जो है कहीं ना कहीं नजर आएगा। और आपने कल भी देखा होगा कि ऑन पैसिव 360 में हमें कहीं ना कहीं उम्मीद लगी थी कि ऐश मुफारी सर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए थे। उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये भी है कि कहीं ना कहीं वो बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बैक में काम चल रहा होता है और इसी वजह से वो कई बार नहीं आते। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मीटिंग, डेफिनेटली हमें कुछ अपडेट्स के लिए मीटिंग चाहिए होती है, लेकिन मिस्टर ऐश को कई डिपार्टमेंट्स के साथ में बात करनी पड़ती होगी, वहाँ पे कहीं हमारे मार्केटिंग टीम से बात करनी पड़ती होगी, उसमें कई सारी हमारी जो है प्रोडक्ट्स जो होता है मैनेजमेंट उसके थ्रू बात करनी पड़ती होगी, कई सारी एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है उस पर हमें बातचीत कहीं ना कहीं चल रही होगी, और इसमें कई पार्टनरशिप हो रही है कंपनी की उस पर जो है काफ़ी सारी चर्चाएँ होती होंगी। तो एक नहीं बल्कि 50 मीटिंग दिन में मिस्टर ऐश करते होंगे और इसी वजह से जो है दोस्तों वहां एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है वो ही हो रहा है, राइट, जो ऑन पैसिव में हो रहा है बैक एंड पे। और मिस्टर ऐश जैसे कई बार बताते भी हैं कि वो कई दिनों तक तो कई रातें वो सोए ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर दोस्तों हमारे लिए ऑन पैसिव जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए ही काम कर रहा है। और मिस्टर ऐश ने एक अपडेट में कहा भी था, इस बात का जिक्र भी किया था कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर किसी कंपनी का सीईओ ये बात करता है कि मैं आपके लिए यहां पे मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो इससे प्राउड की बात कुछ हो नहीं सकती है। तो जस्ट दोस्तों वेट करने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हमारा बैक हैंड पे काम चल रहा है दोस्तों उस वर्क को समझिए, और आपका वेट जो है ना ये आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां पर आप धीरे धीरे जब चीजों को सिस्टम को समझेंगे तो आपके पास वेट शब्द हट जाएगा और आप जो है वर्क के ऊपर ध्यान देंगे। हालांकि बैक ऑफिस की टीम हमारी इस पे वर्क पे ध्यान देगी, मिस्टर ऐश इस पर ध्यान देंगे, लेकिन यहां पे हमारा पेशेंस बनाए रखना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू।